तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे शूलिन की आंख खुल जाती है, अपनी हालत देख के भी हिल जाती है और साथ ही में उसकी भी हालत यहां पे देख के हिल जाती है। उतने में पीछे से वो दोनों भी यहां पे जागते हैं। वो लोग जैसे जगते ना, उनमें से एक यहां पे कहती कि अरे यार अचानक से क्या हुआ यार, मतलब थोड़ा सा मेरा सिरवर यहां पे चकरा रहा और मैंने अजीब सा एक सपना देखा। उस सपने में मुझे ऐसा लगा ना जुलिंग ने किसी के साथ यहां पे मुकाबला कर रहा है, हमारी यहां पे प्रोटेक्शन कर रहा है, इसको अच्छा बहाना मिल जाता। वो कहता हाँ 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 तुमने ठीक बोला, लेकिन वो सपना यहाँ पे नहीं था। वो देखो गुंडे तुम्हें दिखाई दे रहे ना, हाँ मैंने उन गुंडे को मारा क्या ना, उन गुंडों ने भाई तुम्हारे ऊपर कोई सा जादू टोना कर दिया था, तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें बेहोश करके। हाँ तो मैंने उनको फाइट किया और मैंने तुम्हें यहाँ पे बचा दिया, और ये बात ये निशान का तो ये निशान है ना, लड़ते लड़ते मुझे यहाँ पे लगा। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुमने हमें यहाँ पे बचा लिया, काफ़ी बड़ी बात है कि उन्हें यहाँ पे आती हो कहते अरे, लेकिन हमारे बच्चा के चक्कर में तुमको यहाँ पे चोट लगी और चोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा गहरा यहाँ पे लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं उस पर भाप यहाँ पे देती हूँ, यानी मुँह से करते ना हाँ हाँ, वो मतलब मुँह से ऐसा करती है, ये भी डर जाता दूर जाता कहता ना 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 ठीक हूँ भाई, पूरा बॉडी मेरा अच्छा यहाँ पे फील कर रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके ना सिटी लॉर्ड के पास जाके मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम सेफ ऐसा वैसा। और लोग भी कहते हैं जाओ यार हमें भी काम है, हम भी अपना काम यहाँ पे जाके करते हैं। तो लोग अपनी ओर निकल जाते हैं, ये भी अपनी ओर जाने को तैयार था, मनी मन सोचता भाई वो दोनों के दोनों लड़की यानी शूली ने मुँह मेरे पास आके छिपक गई थी, अगर मैं 2 मिनट और खुद को कंट्रोल ही ना करता तो भाई हो सकता उनकी भी इज्जत मेरे हाथों से चल जाती और मेरी इज्जत भी उनके हाथों से चल जाती, इसलिए अभी मैं उनसे दूर रहता हूँ। वो लोग हल्का से मेरे पास आएंगे ना तो फिर से मेरा माइंड यहाँ पे टन आ जाएगा। उसके बाद सीन शुरू सिटी लॉर्ड पे जो कि किसी और के यहाँ पे इंतजार कर रहा था, नहीं अपने लिंक यानी किसी और का इंतजार कर रहा था, वो कहता कह रहे यार अभी तक वो आया क्यों नहीं। और तभी वो यहाँ पे आ जाता है एक बंदे का इंतजार करता जिसका नाम यहाँ पे शेन है, और जो मास्टर गॉड टेम्पल सेक्ट है ना उस सेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर था। तो वहाँ पे आते कहता ओके सिटी लॉर्ड आपने मुझे बुलाया, सॉरी सॉरी सोनी आने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया लेकिन मैं फाइनली यहाँ पर आ गया। ये भी यहाँ पे कहते सिटी लॉर्ड चलो भैया फाइनली यहाँ पर आ गया यार, अच्छा हुआ आ ही गया यार आप ही कहते यहाँ पे जरूरत था, ये भूतों ने भाई एकदम बवाल मचा के रखा है, उनका क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इनके सेट वाला उनका जो भी काम था खत्म हो चुका है, डेमोस्ट्रेट ने भी आना यहाँ पे बंद कर दिया, लेकिन जो भूतों का कांड है अभी तक यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। वो भी यहाँ पे कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, तभी तो भाई आपको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। सीट लॉर्ड कहते हाँ भी आप आ गए अच्छी बात है, इससे पहले अगर लिंक यहाँ पे था ना भाई लिंक बहुत मदद यहाँ पे करता, लेकिन बेचारा लिंक वो नहीं है मदद करने के लिए। ये भी कहता लिंक ये यहाँ पे कौन है भाई, कोई बढ़िया सा बंद है क्या जो आपको सपोर्ट ये करता था। ये कहता हाँ हाँ बहुत यार बड़ा कमाल का यंग टैलेंटेड लॉर्ड था, बड़ा बोले तो बड़ा ही कमाल का था, लेकिन एक अजीब सी हवसी औरत यहाँ पर आई और उसको किडनैप करके यहाँ पे ले चली गई, काफी दिन यहाँ पे हो गए लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। तभी पीछे से नौकर आता है, ये कहते सुनिए 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 जो लिंग है ना लिंग यहाँ पे वापस आ चुका है और आपसे मिलना चाहता हूँ, घर के बाहर आपका इंतजार यहाँ पे कर रहा है, क्या उसको अंदर भेज दूँ। ये भी कहता क्या बात कर सच्ची में है वो वापस यहाँ पे आ गया तो उसको अंदर, अरे यार ये शेन भी यहाँ पे मिलने आए वो भी दोनों एक साथ यार इनको बुरा लग जाएगा। ये भी कहता यार आपको बुरा लगेगा क्या, ये कहता ना ना मुझे बुरा नहीं लगा, बुलाओ बुलाओ उस लिंग के बच्चों को आई मीन लिंग को बुलाओ, मैं भी उसे यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो ये भी कहता जल्दी से भाई बाकी कोई भी आए हो उनको बाहर में भेजो, वो लिंक को यहाँ पे अंदर भेजो। तो लिंक जैसे आधा है अंदर आता ना ये खुद सिटी लॉर्ड उसके पास जाता है और जाते चिपक जाता है, कहता है लिंक मेरे भाई तू फाइनली यहाँ पर आ गया, तो उससे मिलके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, भाई तू कहाँ गायब हो गया, तो भाई हमने बहुत तुझे ढूंढा लेकिन कहीं भी तू यहाँ पे मिला नहीं, तो खुद से चल के आ गया, दिल को सुकून मिला। ये भी कहता है सिटी लॉर्ड आप इन्हें कोई ज्यादा मेरे यहाँ पे चाट रहे हो, उसके बाद से मिलवाते कि हाँ भाई इनसे मिलो, इनका नाम यहाँ पे शेन है जो है ना भाई मार्शल गॉड टेम्पल, उनके काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है और मार्शल 7th लेवल पे जा चुके हैं, बहुत सारे बंदे इनके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते और इनसे मिलो भाई, इनका नाम है भाई लिंग, वो भी सामने से ये सबसे पहले लिंग यहाँ पे नमस्कार करता है, ओके मिस्टर शेन आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी यहाँ पे कहता है या मिस्टर लिंग आपसे मिलकर भी यहाँ पे अच्छा लगा और अपने एक अजीब सा एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है भाई लिंग की ओर, उसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऐसा बुरा था बेसिकली अच्छा यहाँ पे नहीं था। तो लिंग भी देखते एक समय भाई ये क्या वाकई में मेरा टेस्ट करना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ या बेकार हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे बीच में इसके बीच में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है और आते भाई इसने बुरा बर्ताव मेरे साथ करने यहाँ पे चालू कर दिया, आई हेट इट मुझे ये पसंद नहीं आया। जो शेन ने लिंग से पूछता कि ओके आप काफी कमाल के मुझे बंदे यहाँ पे दिखाई देते हो, तो जो हमारे सेट यहाँ पर है क्या हमारे सेट यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, जो सुनते ये कहते वेल मुझे आपके सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने को, भाई मैं पहले से ना टैमिंग जोंग सेट नाम का एक सेट के यहाँ पे मेंबर बन चुका हूँ और क्या ना अभी मेरे कुछ फीमेल मेंबर्स है उनके साथ, हाँ मैं यहाँ पे सिटी में आया था अपना मिशन पूरा करने अपना ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए आई एम सॉरी मैं आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। ये भी सुनता ओके पहले से मेंबर है फीमेल मेंबर है, और तब उसका ध्यान जाता है गर्दन की ओर और जो निशान अभी भी गर्दन की ओर है, देख समझ आता भाई ये निशान तो भाई किसी लड़की ने ही बनाए होंगे, इसलिए कहता ओके मैं समझ चुका हूँ मुझे लगा ना दुनिया में कमाल कमाल के टैलेंटेड जो हीरो लोग हैं ना उनको औरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है आपको औरतों से यहाँ पे फर्क तो पड़ता है, इसलिए मैं भी आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला, तो आप सेट के मेंबर तो नहीं बन पाओगे लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहूंगा और दोस्ती के निशाने के तौर पर ना आपको मैं अपने सेट का एक स्पेशल टोकन यहाँ पे देना चाहूंगा, बड़ा कमाल का टोकन है, ये टोकन अपने पास रखेगा और जब मुसीबत यहाँ पे आएगा ना टोकन यहाँ पे तोड़िएगा हमें यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई आप मुसीबत में, तो इसलिए हम प्रोटेक्शन करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। सिटी लॉर्ड भी कहता है वाह वाह ये टोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इनके जान पहचान वालों को ना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाई हाई लेवल के बंदे रहते ना, उनको खाली मिलते, आपको मिला, आप यहाँ पे बहुत ही लकी हैं। ये भी मुंह बनाते हुए कहता है या मैं बहुत ही लकी हूँ, मनी मन सोचता घंटा लकी हूँ भाई, इसका जिंदगी में कभी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक तो काम करूँगा भिखारी को दे दूंगा या फेंक दूंगा या फिर गटर में डाल दूंगा भाई, ऐसा कुछ करूँगा, अपने पास तो मैं रखने वाला बिल्कुल भी ना हूँ। उसके बाद सीडी लोड कहता वेल, तो ये मिस्टर शेन यहाँ पर आए और साथ ही में लिंग इतने लंबे समय बाद वापस आ गया, तो चलो भाई जश्न मनाते हैं। तो सब लोग जश्न मनाने के लिए बढ़ते हैं। उसके बाद सीन शो था रात में, जहाँ पे मास्टर गॉड टेम्पल वालों ने ढेर सारे सिपाहियों को बोला कि रात में पेट्रोलिंग का काम करना, जैसे भूत लोग यहाँ पे आएंगे ना तो अटैक करना। रात लगभग आधा यहाँ पे गुजर जाता, एक भी भूत यहाँ पे आया नहीं था, सब लोग यहाँ पे बोर हो रहे थे। एक बंदा कहता भाई साले भाई सिपाही का काम यही होता है, बोर वोर इसमें क्या हो रहा है, उतने में आ भी जाता है घोष्ट यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता है अरे बच्चे लोग ऐसा लगता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। ये लोग कहते अरे बाप रे घोष्ट आ गया, ऊपर से हाई लेवल का घोष्ट आ गया, आँख का कलर देख के पता लगाते, आँख का रंग यहाँ पे हरा था और हरे रंग वाला समझो भाई यहाँ पे हाई होते हैं। तो वो भी कहता घोष्ट ओके तुम्हें मालूम चल गया कि मैं हाई रैंक का, कोई बात नहीं तुम्हें मारने के यहाँ पे टाइम आ गया, अटैक करना चालू करता। प्लस इसके साथ ना ढेर सारे छोटे मोटे और भी घोष्ट थे, उन सबको भेजता कि मारो मारो मारो, तो सबको मारे जा रहे थे, हाँ इंसानों को मारे जाते, सारे इंसान मर रहे, खून कर रहे भाई, इंसान चिल्ला रहे। ये कहता भाई और तुम इंसानों जो हम भूतों के यहाँ पे परेशान किया ना, उसके बाद आज हम तुम्हारा जान निकाल के लेंगे। मान लो सिटी यहाँ पे नहीं था, एक कोई दूसरा सिटी यहाँ पर है, हाँ तो वो सिटी का जो सिटी लॉर्ड था ना वो यहाँ पे हमला करने के लिए आता है। बंदे लोग कहते देखो भाई सिटी लॉर्ड आ गए बचा लेंगे, ये भूत यहाँ पे कहते हैं सिटी लॉर्ड भाई ये मार्शल ही पैरा लेवल का बंदा भाई, अब मेरा उखाड़ लेगा, घंटा भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। एक जोरदार हमला यहाँ पे तैयार करता है सिटी लॉर्ड की, वहाँ पे कर देता और एक ही हमले में सिटी लॉर्ड की बैंड बजाती है, हाँ सिटी लॉर्ड मर जाता है। उसके बाद उससे गर्दन पर कहता है कि हाँ भी एक सिटी लॉर्ड नल्ला सा सिटी लॉर्ड भाई एक ही अटैक मर गया, ये मेरा यहाँ पे क्या उखाड़ पाएगा, भी मारो मारो मारो, ये सिटी में जो भी इंसान है सारे इंसानों के यहाँ पे मार डालो। उसके बाद से भाई हमारे जो डेमन लॉर्ड है ना भाई, डेमन लॉर्ड बोल रहा हूँ घोस्ट लॉर्ड, उनका भी रिवाइव यहाँ पे करेंगे, जैसे रिवाइव हो जाएंगे ना एक एक करके इस पूरे एरिया में, जो ईस्ट का एरिया ना भाई पूरे एरिया में कब्जा करेंगे, भूतों का राज यहाँ पे चलेगा। उसके बाद से अब शीन शो था वानलो सिटी में, हमारे लिंक यो जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था और जो मैप इसको मिला था ना भाई, जो इसने भाई हेवनली पील दे के बाई किया था, हाँ तो वो देखने की कोशिश करता लेकिन मैप पे यहाँ पे घंटा भी कुछ बना हुआ नहीं था, इसका भी दिमाग खराब, लास्ट टाइम जो मुझे पेपर मिला था उस पर एटलीस्ट कुछ लिखा तो था, इस पर कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ बना ही नहीं है, सीक्रेट मैप यहाँ पे होगा भाई ये पक्का ना, इसको पानी में डालो तब इस पर अपीयर होगा, पानी में डालता घंटा भी अपीयर नहीं होता, नीचे से गर्म करने को रहता तब जाके अपीयर होगा, लेकिन गर्म भी करता नीचे से तो भी अपीयर यहाँ पे नहीं होता, पक्का भी इस पर खून डालना पड़ेगा तब जाके अपीयर होगा, खून भी यहाँ पे डालता है लेकिन तो भी अपीयर नहीं होता। इसका दिमाग खराब के साले, एक तो इतना कमाल का पिल यहाँ पे गया और घंटा भी कुछ मिला नहीं, अब दिमाग यहाँ पे खराब हो चुका है, गुस्से के मारे पेपर यहाँ पे फाड़ देता है और जैसे फाड़ता ना उसके बाद से हाँ सामने यहाँ पे मैप जो भी था ना अपीयर होने लगता है। ये भी देखता रहे बाप रे भाई, जिसने भी बनाया हुआ ना उसने अलग ही दिमाग लगाया होगा, फाड़ने के बाद भाई मैप अपीयर होगा, वाह मैप को जैसे छूता ना यहाँ पे एक जोरदार लाइट निकलती है और जैसे लाइट निकलती है खुद को एकदम अजीब से जगह पे पाता है, बेसिकली जगह वही है इसका सिटी मतलब इसका कमरा ही है, लेकिन इल्यूजन यहाँ पे तैयार हुआ और सारी चीज़ों का जो कि मैप में जाने के बाद ना उसको यहाँ पे मिलेगा। आसपास का नज़ारा थोड़ा सा हिला पिटा था और एक ड्रैगन इसको आगे दिखाई देता है, ये भी देखता है ड्रैगन यानी है मैप किसी ट्रेजर का क्या, और ट्रेजर के तौर पर ड्रैगन तुम्हें मिलेगा। फिर ड्रैगन को यहाँ पे टच करता है, जैसे यहाँ पे टच करता ना सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल, वापस अपने कमरे में खुद को अच्छे से पाता है और जो मैप है ना फाइनली वो मैप यहाँ पे भाई अच्छे से इसके सामने यहाँ पे बना हुआ था और एक जगह यहाँ पे क्रॉस का निशान बना था जहाँ पे पक्का ड्रैगन शायद होगा। ये भी देखता ओके ये मैप है ना ये अंडरवर्ल्ड का नहीं जमीन के नीचे के दुनिया का मैप यहाँ पे लग रहा है, ओके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और तभी इसका ध्यान जाता बाहर साइड जो स्टार यहाँ पे एक था ना भाई तारा, वो काफ़ी ऐसा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे कर रहा था, इसे भी देख के अजीब लगता है भाई कुछ कहीं बाजू में गड़बड़ हो रहा है क्या, मैं चेक करके आता हूँ, इसलिए चेक करने के लिए निकल जाता है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।